प्रेम किसी बद्रो भाई और बहन, हम श्री प्रभु के चरणों के बैठकर प्रभु जी के गुणावाद गाते हैं, भजन गाते हैं। प्रभु जी का संदेश हमें क्या है, इस बात पर भी विचार करना चाहिए। जब श्री प्रभु जी महाराज संसार में आए थे तब उस समय देश कई सदियों से गुलामी की कड़ियों में झगड़ा हुआ था, अपने आप को जनता भूल चुकी थी, अपने पूर्वजों को भूल चुकी थी, ऋषियों को भूल चुकी थी। प्रभु जी महाप्रभु जी के पास गए, पूर्ण सिद्ध बन के आए और वो जो संदेश दिया वो हमें भूलना चाहिए। दुनिया में लाकर हम भूल जाते हैं। वो था कि तुम लोग ऋषियों के संतान हो, जैसे हम सुबह बच्चे आते हैं सौरशतक पढ़ते हैं तो एक दोहा जब पढ़ते हैं बड़ा मुझे बोलते हैं। वो मैं बैठा हुआ था, आज फोन सुन रहा था, किसी का आया जरूरी सुनना था, तो उधर वो जो ठीक शेर का बच्चा सोया कब जागेगा मीर, शेर के बच्चे मगर सोए हुए। बच्चों को जोश आता है कि हम शेर के बच्चे हैं। अब प्रभु जी ने यही कहा, तुम ऋषि संतान हो जो गुलामी की जंजीर में जकड़ी हो, अपने आप को पहचानो। और उन्होंने वो जो योग लाया था वो कह रहे प्राचीन योग है, सीखो इसको, इस पर अमल करो और ऋषियों की तरह तुम भी बनो। यही हालत थी, ये अब सातयुग कलयुग का है ना, यही हालत थी द्वापर युग के अंत में। जब कृष्ण आया तो उसने यही आवाज़ लगाई थी कि तुम लोग व्यसन में पड़े हुए हो, जुआ खेल रहे हो, शराब पी रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, स्त्रियों का अपमान कर रहे हो। अर्जुन को कहा योगी भव, अर्जुन ये संदेश था, अर्जुन तो योगी बन। यही सब जी का कलयुग के अंदर संदेश है 5-7 हज़ार वर्ष बाद में कि योगी बनो। तो एक और बात वो ये कि जो कृष्ण ने संदेश दिया अर्जुन को और जो प्रभु जी का संदेश है उनमें बड़ी समानता है। क्या समानता? वो गृहस्थियों के लिए है। प्रभु जी कहने का हम गृहस्थियों के लिए योग लाए हैं, हम 2-3 महीनों से, मैं 2-3 साल से योग के बारे में बात कर रहे हैं। कठिन से कठिन साधन की चर्चा की, आसान साधन बताए, लेकिन प्रभु ने कहा हम गृहस्थियों के लिए योग लाए हैं, वो कठिन साधन की अपेक्षा सरल साधन बता रहे हैं ताकि गृहस्थी लोग करें। और उन्होंने इसलिए कहा हम गृहस्थियों के लिए योग लाए हैं, वो साधन करने चाहिए और वे करते हैं। अर्जुन भी कहा था, अर्जुन को किसने कहा था मैं जो तुम्हें योग बतला रहा हूँ ये राजाओं को मैं दिया था, मनु को दिया था, अब तुम्हें दे रहा हूँ। सन्यासियों साधुओं के लिए जंगलों में नहीं है, ये गृहस्थियों के लिए है, तुम्हें क्या करना चाहिए? अर्जुन का तुम योगी भव, मैं वही संदेश दे रहा हूँ जो मैंने राजा को मनु आदि को पहले दिया था, अब भूल गए दे रहा हूँ। और प्रभु जी कह रहे हैं कि ये प्राचीन योग भूल गए थे, गुलामी के जंजीर में जकड़े हुए, अब मैं तुम्हें योग दे रहा हूँ।
क्या योगी। पर ये बात समझ नहीं ले कि योगी भवर्चे हम योगी बने, योग के मार्ग पर चले। और वो योग जो गृहस्थियों के लिए प्रयोजन दिया वो करते रहे। यही बात पतंजलि ऋषि ने योग दर्शन में कही है। इतने साधन समझा कर जो कठिन से कठिन जिनकी कल्पना भी वो निकाल सकते, आप शिक्षा का विचार कर पढ़ लें, आपको पता लगे क्या क्या चीज़ है। अब प्रभु जी करते थे आकाश में उड़ना, वो करना, ये करना, प्रभु जी भी उड़ा करते आकाश में। परंतु प्रभु जी नहीं, हम तुम्हें गृहस्थियों के लिए दे रहे हैं, तुम्हें आकाश में उड़ाने के लिए सब दे रहे, तुम्हें स्वस्थ रहने के लिए दे रहे हैं। और भाई पतंजलि ऋषि ने कहा कि भाई मैं तुम्हें बात बतलाऊं, तुम आसान से आसान चीज करो, क्या करो, साधन नहीं करते तो उसका नाम है क्रिया योग। तो क्रिया योग प्रभु जी भी यही बताते हैं कि क्रिया योग करो। भगवान कृष्ण ने भी आसान बताया ये करो। देखो भगवान कृष्ण की बात करें तो उसने मुक्ति के मार्ग बड़े आसान बना दिए। जब लोग जंगल में जाकर तपस्या करते थे और अपने आप को गला देते थे तो भगवान ने कहा उन तपस्वियों से मैं जो योग बताता हूँ वो आसान है। तपस्वी भी देखो योगी, वो तपस्वियों से योगी अच्छा होता है। तो आसान साधन बताया, क्या बताया, अब दो मिनट में अब गीता को समझाता हूँ क्या क्या। उन्हें तीन चीज़ें बताई मुक्ति की, तीनों आसान है। सुनने में आसान है पर करने में तो मुश्किल होता है। किताब छोटी भी है पढ़ने में तो मुश्किल होती है। हमने कहा देखो काम करते जाओ और मुक्त होते जाओ, ठीक है। कर्मयोग फल का त्याग करो, कर्म करो आपसे काम मन में राम, ये है ना कर्मयोग। दूसरा साधन क्या बताया, अंतर देखो, तुम्हारे अंदर एक ज्योत है, आत्मा है, देखते चले जाओ मुक्त हो जाओगे। या तो कहो ना कहो धोखा है, इसमें धोखा क्या है, काम भी को धोखा है, ये अंतरात्मा को धोखा है, तो ढूंढना तो पड़ेगा ना। घर में कुछ चीज़ गुम हो जाती है तो ढूंढनी नहीं पड़ती, तो शरीर के अंदर या तो शरीर के अंदर। तीसरी चीज़ क्या बताए, कितनी आसान है कि भाई छोड़ो सब कुछ, माँ मनुस्मर युद्ध चो, मुझे याद करते रहो, सर्वधर्मांतर माँ में कम शर्मा, यह भक्ति होगी। कितनी आसान चीज़ है, तीन चीज़ें मुक्त हो जाओगे, भक्ति करो तब मुक्त हो जाओगे, आत्मा को देखोगे तब भी मुक्त हो जाओगे, और निष्काम करोगे तब मुक्त हो जाओगे। ऐसे ही प्रभु जी ने बताया कि वो पतंजलि की बात, पतंजलि की तीन बातें हैं और प्रभु जी वही बतलाते हैं। क्या वो सूत्र है, तप स्वाध्याय ईश्वर प्रधान यानी क्रिया योगा। एक चीज़ करनी है तपस्या, दूसरी करनी है स्वाध्याय, तीसरा करनी है प्रभु की भक्ति। वही बात कृष्ण वाली, मुश्किल क्या है, मगर हम योगी बनना चाहें तब है ना। इन अगर तीन चीज़ों को करते तब योगी बन जाए तो और क्या चाहिए हमें, तब क्या होता है, तब होता है संयम। किस चीज़ का संयम, इंद्रियों का संयम, किसी का इंद्रियों का, पर इंद्रिय कितनी है, 14 है, 14 10 बाहर की 4 अंदर की। 10 इंद्रियां जो जानते हैं, हाथ पैर नाक कान, गिन लो 10 है। और अंतःकरण ये 4 इंद्रियां मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको संयम में रखो तो पहली चीज ये तप हो जाएगा। अब करने की कोशिश करें, हम तो अपनी जबानी बात में रख सकते हो, बीमार हो जाते हैं या लड़ाई कर लेते हैं, बिना मतलब के खा लेते हैं और बिना मतलब के बोल देते हैं, लड़ाई पड़ते हैं और बीमार भी हो जाते हैं। अब 10 इंद्रियां ऐसी हैं, सब इंद्रियां पता है
गंदे गंदे शरीर नहीं देखने, फिर भी देखते हैं। गंदे गंदे गिरने से फिर देखते हैं, वो ये चैनल देखेंगे जिसमें गंदे सीन है, भ्रांति करने वाले हैं, अच्छी बातें नहीं सीखेंगे, एजुकेशनल सीन नहीं देखेंगे, वो देखेंगे बच्चे भी आके लगा लेगा। बच्चा क्या करे, जब आवाज बिगड़ा हुआ है तो ईंटें क्या करेंगी, पेरेंट्स बिगड़े हुए हैं तो बच्चे क्या करेंगे। तो 10 इंद्रिय को संयम कर ले और अंतरकरण की मन बुद्धि चित्तंकार, मन सबसे प्रबल। अब मन तो हमें खींच के ले जाता है बुराई की तरफ, आज दिल कर रहा है ये कर रहा है वही करेंगे, आज दिल कर रहा है पार्टी में जाने का, कई दिल करते हैं, अब क्या क्या नाम ले, वो बस मन खींच के ले जाता है ना, कभी ये दिल नहीं करता कि कोई अच्छा काम भी करें, वो कभी कभी करता है लेकिन फिर अच्छा चलो ये क्या छोड़ो पड़े ये भी कभी कर लेंगे। तो ये दिल बड़ा खराब है, तो इन सब को वश में कर ले। अब आप कहेंगे कि इनको करें कैसे, 10 और 14 ये सारे कैसे वश में आएंगे, बड़ी सब एक हम इतने बैठे ना, हम भी बातें करने लग जाए बस, तो क्या होगा, इसको चुप कराए, किसको चुप कराए, उधर जबान को चुप कराए तो कान पकड़ते हैं, मन को चुप कराए और चीज पकड़ती है, तो उधर बहले बातें करें तो बस मैं चुप कराऊँ तो उधर पुरुष बातें करें शुरू कर जाए। क्लास होती है, हम पढ़ाते हैं क्लास में, पीछे से लड़का विद्यार्थी कुछ शरारत करता है, उधर देखते हैं दूसरा करने लग जाता है, इस तरह यानी सोसाइटी होती है। ये तो छोटे हैं, एक बड़ी भारी फौज है, अब अपनी अपनी करने लग जाए तो कैसे करेगा, तो इसका पर हल क्या है। अब मैं बैठा हूँ तो आप मेरे सोचा कि यार चुप है ना, मैं चले जाऊँ शायद बातें करने लग जाए, मास्टर चला जाता है, मैंने देखा क्लास में पढ़ाते थे तो हम बाहर जाते थे बेशोर ही शोर क्लास में, और फौज का कमांडर ना हो तो वहाँ भी हुलड़बाजी मच जाती है। तो अब ये 10 14 है ना, 14 को कैसे कंट्रोल करें, आर्य का बन चलते हैं, इनका कमांडर जो है ना, 10 वो हैं, 4 ये हैं, 14, पर इनका कमांडर बुद्धि है। बुद्धि अगर ठीक हो तो सब ठीक हो जाएंगे। अब बुद्धि क्या ठीक हो, गीता में कहा स्थिर करो बुद्धि को, बुद्धि को निश्चयात में करो, ये करने है। फौज का कमांडर हुक्म दे देता है, बस सब उधर चल पड़ते हैं। तो ये निश्चयात्मिक बुद्धि, बुद्धि कमांडर है, तो कमांडर को ट्रेनिंग में तो होती है ना, टीचर पढ़ाने आता है तो पढ़ के तो आता है ना, कमांडर को भी कुछ अपनी ट्रेनिंग होती है। तो इस बुद्धि को ट्रेनिंग हो जाए ना तो 14 की 14 इंद्रियां काबू में रहेंगी, और ट्रेनिंग जो कमांडर होता है वो भी ट्रेनिंग लेने के लिए देहरादून जाता है, वहीं जाता है ना, वहाँ ट्रेन होके आता है तब उसको कमीशन रैंक मिलती है। तो वही हम उनके चरण में जाए, हमें भी कमीशन रैंक मिल जाएगी, जो वो कहते हैं वो करें, उसको कहते हैं गुरु। गुरु के से रंगा हुआ जो मैदा है ना, बुद्धि है, बस ये कभी भी हमें कुपथ पर नहीं डालेगी किसी भी इंद्रिय को भी, ये है तपस्या।
तो तपस्या का मूल आधार जो है वो है गुरु की शरण, जो गुरु के वही करने हैं। वही काम कविता पढ़ते थे अंग्रेजी में, बोलते हैं कि कमांडर ने हुक्म दे दिया, जाओ चाहे वो गलत जो भी था, सारी की सावर जाओगे मर गई, एक कमांडर को मन डाला। तो ये है, प्रभु जी ने हुक्म दिया गोपालानंद को, नदी में कूद पड़ो, नदी में बाढ़ आई हुई है, आप कर मैंने पड़े। नदी में आई थी बाढ़, नर्मदा नदी में, और प्रभु जी किनारे पर बैठे हैं, और एक साधु नदी के किनारे समाधि लगा बैठा हुआ है, और पानी चढ़ता जा रहा है, वो समाधि में है, उसको पानी चढ़ रहा है, यहाँ आया सिर के ऊपर पानी बह गया। प्रभु जी को हुआ, जिस भगत कहने लगे महाराज जो देखो डूब गया, इसको बचाना चाहिए। तो प्रभु जी को तो अंतर्यामी थे कि योगी जो होते हैं वो उनका वो क्या होती चीज़ होती हैं, लेकिन भक्तों कहने पर गोपालानंद को हुक्म दिया लगा दो छांव। बड़ा तूफान बस होते तूफान लगा दिया, भक्त कहने लगे ये भी गया, परंतु वो गया नहीं, वो देख के आया कि वो समाधि में बैठा हुआ है। अब समाधि में बैठा होता है ना, उसके प्राण इतने काबू होते हैं, पानी नाक के अंदर भी नहीं जाता, बैठा हुआ है। पानी का तूफान था, तूफान आया उतर गया, और साधु निकल आया बैठा था। फिर उसने समाधि में देखा कि मेरे जो बाहर बैठे हैं कौन है, समाधि से उठकर प्रभु के चरण पड़ा, मारे आपने बचाया, मैं बह जाता। तो गुरु का हुक्म देखो, उसमें जान की परवाह नहीं करती। गोपालानंद ने, जिस गोपालानंद ने कहा था मेरा सिर ले लो, तो प्रभु जी ने सिर थवा लिया, तलवार लेकर चले गए नदी किनारे, और कहा लोगे लेट जाओ, धर दरिया में होगा, सिर पार होगा, मैं तुम्हारा सिर लेके चला जाऊँगा, धर जा जाएगा, तैयार हो गया। ये गुरु की, हम तो गुरु गुरु तो कहते हैं, लेकिन हमारे इंद्रियां बस कैसे आई हैं, गुरु के ऊपर इतनी श्रद्धा नहीं है। प्रभु ने तलवार तो फेंक दी और गोपालानंद को उठाकर गले लगा लिया और समाधिस्थ कर दिया। समाधि आपे हो जाता, अपने आप हो जाती है जब गुरु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा हो। तो समाधि में प्रभु जी ऊपर, जनता बाहर पर ठहरी हुई थी रामायण में जैसे लिखा है, और प्रभु जी शिष्य को पीठ पर उठाकर पहाड़ पर पहुंचाए। गुरु शिष्य के लिए बहुत कुछ करते हैं, पर शिष्य तो वैसे हो। तो वो गोपालानंद प्रभु जी के साथ रहा, उसने बड़ी सिद्धियां प्राप्त की थी उनकी कृपा से। ये है अगर इन तप की बात, तपस्वी हम नहीं बन सकते, 14 की 14 इंद्रियां हमारे पास बाहर आती हैं, मगर हर एक ताले की एक ताली होती है, इसकी ताली यही है उनके चरण बस, और ताली कोई दूसरी ताली नहीं लगेगी यहाँ, वो ऐसा है मास्टर लॉक है, कोई ताली नहीं लगेगी उसका, ताली बस एक ही होती है, ये है तपस्या। तो जब पतंजलि ऋषि ने कहा तप करो, और प्रभु जी ने कहा क्रिया योग करो गृहस्थियों के लिए आए हैं, तो गृहस्थियों के लिए तो यही है पहला कि अपनी इंद्रियों को वश करो, तो भी योगी बनोगे। योगी कैसे बन सकते हैं अगर हमारे इंद्रियां ही हमारे अधीन नहीं है तो? और उसको तरीका भी बता दिया कि बस गुरु है मालिक। अब उसके बाद आता है स्वाध्याय, तप स्वाध्याय। स्वाध्याय के बिना तो स्वाध्याय यही बतलाता है कि गुरु की शरण में जाओ। देखो आप कोई चीज़ पर अपना
गनुसा पढ़ लो, अपने रामायण पढ़ लो, गीता पढ़ लो, कुछ पढ़ लो, उसका मुख्य उपदेश ये होता है कि गुरु की शरण में जा। गुरु बिन ज्ञान है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो स्वाद बनो, बार बार पढ़ेंगे तब चीज दिमाग में बैठेगी। हम कहते हैं रोज पढ़ना चाहिए। प्रभु ने स्वाध्याय के लिए प्रभु जी को रोके, भगत कहते महाराज हमें कुछ ग्रंथ लिख के दे जाओ। वो तो संस्कृत जानते थे, प्रभु जी तो विद्वान, पूर्ण विद्वान थे। वो कहते ग्रंथ हैं पढ़ो। अब लोग कहते थे, ये मानते थे कि तो कम संस्कृत आती नहीं, क्या पढ़ें। तो उन्होंने कहा हो जाएगा, तो हो जाएगा, तो उन्होंने फिर ये अपनी भाषा में दे दिया, पढ़ो इनको पढ़ो। किसी ग्रंथ को देख पढ़ लो, वेद पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, और उपनिषद आदि पढ़ लो, पढ़ो और देखोगे इसमें वही बात मिलेगी। जैसे गीता कहते हैं ना, गीता सुगीता करता, गीता में वही याद है। और इन ग्रंथों का हिस्सा भी तो गीता ही है। तो ये पढ़ेंगे तो बात मिलेगी, वही बात मिलेगी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं होगा। कृष्ण जब भगवान कृष्ण बतला रहे थे अर्जुन को सब कुछ, तो उन्होंने भी यही अंत में कहा कि किसी गुरु के पास जाना होगा। परि प्रश्न सेव्या, तुम्हें उनसे पूछना होगा और फिर सेवा करनी होगी। यानी गुरु के पास सेवा का मतलब गुरु के पास रहोगे। कल आए थे दिल्ली से, तो मैंने वो एक तो दीक्षित है शर्मा खन्ना जी के वाकफ में, कल आई थी मुझे सपना आई थी, उसके सिस्टर भी आई थी। सपना ने तो लिए दीक्षा, अब वो सिस्टर आ गई तो मुझे भी दीक्षा दो, मैं दीक्षा दे दी। मैंने कहा सत्संग और सेवा भी चाहिए, ज्यादा नहीं बतलाते हम तो। हमें अगर प्रभु जी से आशीर्वाद मिली तो हम तो दो दो महीने उनके चरणों में रहते, काले में छुट्टी होती सारे जाके रहते। उसका परिणाम हुआ कि बच्चा बच्चा उनके चरणों का भक्त बन गया। तो तुम क्या साल में 15 दिन काट लगा सकते हो? सोच पा रही मैं, 15 दिन में लगा सकते हैं तो कुछ नहीं तुम्हें मिलेगा, दीक्षा का फायदा ही कोई। क्या 15 दिन कौन से, मैं 5 दिन आओ रामनवमी पर सारा परिवार, 5 दिन आओ व्यास पूजा पर, और 5 दिन आओ लोहड़ी के ऊपर स्वामी जी। 15 दिन हो गए। अगर 15 दिन नहीं लगा सकते तो फिर चाहते हैं गुरु से कुछ मिले, कुछ नहीं मिल सकता। दीक्षा लिया घर में बैठे हैं, अगर ये करोगे परिवार सहित 15 दिन, 5-5 दिन काटोगे, बच्चों को सेवा का मौका मिलेगा, ज्ञान का मौका मिलेगा, सुनने का मौका मिलेगा, बच्चों के ऊपर रंग चढ़ जाएगा, तुम्हारे ऊपर भी रंग चढ़ जाएगा। जब कपड़े को रंग में डुबोते ही नहीं तो रंग कैसे चढ़ेगा? तो सोच में पड़ जाते हैं क्या 15 दिन 5 दिन छुट्टी लेकर आएंगे। वो मैंने कहा देखो, जब स्वामी जी थे तो हम जाते थे, उस वक्त बहुत भगत नहीं होते थे, दो भगत इनका काला नाम सोनलाल का नाम आया ना, वो दोनों मिलिट्री में ऑफिसर थे फाइनेंस डिपार्टमेंट के। अब देखो कितने भगत थे, इसे नहीं मिला उनको, जब मिला मैं उस वक्त तनख्वाह थोड़ी होती थी, सैकड़ों में होती थी ना, लेकिन 40-40 रुपये आश्रम के खर्च के लिए हर महीने भेजते थे। 40 रुपये बहुत होते थे उस समय, आश्रम भगत तो होते नहीं थे, स्वामी तो जंगल में रहते थे, और हमारे लोगों को सब भक्तों की सेवा भी करनी होती, प्रसाद भी रहा था, और उनको आज्ञा थी कि जब उत्सव होता है रामनवमी आदि का तुमने छुट्टी लेके आना है। अब देखो उनकी हिम्मत, अब आर्मी है, छुट्टी कई बार तो नहीं मिलती, वो अपना इस्तीफा लेके चले जाते थे कि हमें या छुट्टी चाहिए या हमें नौकरी नहीं चाहिए।
वह मिल जाती थी उनको, जब अफसर देखता था कि गुरु के भक्त अंग्रेज जा रहे हैं, छुट्टी मिल जाती थी, पर तो इस्तीफा देकर तैयार हो जाते थे। और मैं कहता तुम 15 दिन छुट्टी नहीं ले सकते तो मैं क्या मिल जाए। तो ये है कि हमें गुरु से मिलेगा और ये बुद्धि तभी ठीक होगी। स्वाध्याय का मतलब ये है गुरु भक्ति। अब तीसरी चीज है तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान हम पिछले शताब्दी कहा ईश्वर प्रणिधान का मतलब ईश्वर भक्ति। बड़ा आसान काम है। जब हमने वही बात रिपीट करता हूँ पिछले दिन कहा था कि योग दर्शन कहता है ईश्वर प्रणिधान मैंने ईश्वर की भक्ति, समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधानार्थ, ईश्वर प्रणिधान से आत्म समाधि जाया जाता है। कैसे कहते तुम्हें एक गुरु मंत्र देता है ना, और वो कहता है तज जपा तदर्थ भावनम, मंत्र को जपते रहो और जो स्वरूप दिया गुरु ने उसमें मैं बोल जाऊँ। और मैंने उस पिछले बार जो बताया था कि समाधि का यही तरीका है, भक्ति 6 प्रकार की समाधियाँ होती हैं। आसान समाधि तो भक्ति योग की समाधि है। और वो श्लोक फिर कोट कर देता हूँ, समय चला है। वो क्या श्लोक है देखो, शास्त्र का श्लोक है ना भक्ति का, उधर पचनली कह रहे हैं, उधर हर्षो के ग्रंथ कह रहे हैं कि भक्ति ऐसी करो समाधि लग जाएगी। मगर समाधि के लाभ, उस भक्ति के लाभ क्या होंगे अगली तरफ बतलाएंगे हमें, मगर समाधि लगाओ तो वो श्लोक जो है वो फिर इसके साथ हम समाप्त करते हैं आज। और उसको समझना चाहिए कि समाधि जो लगानी है भक्ति द्वारा ईश्वर प्रणिधान द्वारा, कह रहा ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान समाधि सिद्धि। तो समाधि कैसे लगती है देखो, कैसे कहते हैं कि गुरु ने मंत्र दिया है उसको जपते रहो और गुरु इष्ट का ध्यान करते रहो। तो यही है स्वकीय हृदय ध्यायेत, अपने हृदय में ध्यान करो, इष्ट देव स्वरूप को, इष्ट के देव के स्वरूप को। मुश्किल क्या है, घर में मंदिर बनाते हैं, घाट में मंदिर बना लो, पक्का में मंदिर बनाओ। यहाँ एक दफा जब मूर्ति स्थापित हो जाती है उठाई नहीं जाती मंदिर से। हृदय के मंदिर में जब मूर्ति स्थापित हो गई उठाई नहीं जाएगी सारी। लोग तो आज मूर्ति ये ध्यान करते हैं, कल वो ध्यान करते थे, वो तो बिल्कुल मंदिर नहीं है, वो तो है खिलवाड़ है। जैसे आज मकान एक को किराए पर दिया, कल को दूसरे को किराए पर दे देंगे, वो तो किराए को देते हैं अपने हृदय को। लेकिन नहीं, ये शास्त्र कहता है कि सुखीय हृदय ध्यायेत इष्ट देव स्वरूप, ये भक्ति का है। और फिर स्वरूप तो आ गया, चिंतित भक्ति योग है, भक्ति योग द्वारा उसको चिंतन करो, भक्ति मान प्रेम पूर्वक। वो प्रेम कैसा, परम आह्लाद पूर्वकम, बहुत प्रसन्नता से, जैसे कोई हमें लाटरी निकलाई हो, खुशी चिंता का प्रभु जी का स्वरूप है। क्या होगा अगर ऐसा हो जाएगा तो अनंत श्रुपुल के आंसू बहन लग जाएंगे और शरीर भी रोमांचित हो जाएगा। ये भक्ति योग से ये स्टेप्स होते हैं। क्या हमने देखे हैं अगर प्रभु जी जिनके संस्कार में भक्ति दे रहे हैं उनको, वो रोते भी हैं, अब सब कुछ करते हैं, कई बार तो उछलते भी हैं, वो पुलकायमान हो जाते हैं। तो ऐसे दश, और फिर क्या होता है दशा भाव पर जाए, वो फिर की शुद्धि रहती वो समाधि। अब आप तो देख रहे हैं समाधियाँ, ये है भक्ति योग की समाधियाँ। जब लोग कहते हैं ये क्या समाधियाँ हैं,
तो हम कहते हैं प्रभु जी के प्रेम में विभोर हुए ये लोग हैं। तो भाई हमने अब जुनेजा जी आते हैं यहाँ, उनके जो जिनसे एक दीक्षा ली थी मैंने गुरु जी, वो हमारे जो शिष्य थे प्रभु जी के, तो उनका क्या था, अंदर आ भी नहीं सकते थे, जैसे भाई प्रभु दर्शन होते थे उस गेट पर गिर जाते थे, उनके जूते हम उतारते थे, दशा भाव अभाव हो गया ना, पता नहीं शीर्ष। अब हम ये बहन जी पड़ी हैं, मैं तो दो पांच भी मिनट लेटता हूँ तो मेरे कभी पैर हिलता है, कभी वो हिलता है, तो इसका वेला रहा कोई हो गया शरीर के साथ भूली हुई ना, ये भक्ति योगी समाधि है, ये अब भी लग रही हैं। मैंने बाइबल में पढ़ा ओल्ड टेस्टमेंट में कि हजरत मूसा जिसने के यहूदी मत चलाया था और फिर जिसे ईसाई मत निकला, वो एक यहूदी लड़का था लेकिन वो भी समाधि में ऐसे गिर जाता था। ये गिर जाते हैं, शरीर शुद्ध नहीं है, चाहे गिरे चाहे के वो आग में तो गिर जाते हैं वो तो। और उसको देखकर वहाँ के बादशाह ने उसे पूछा तुम क्या चाहते हो, तो मेरे साथियों को आज़ाद कर दो, गुलाम थे आज़ाद कर दिया, और एशिया में आकर वो उन्हें अपना फिर मंदिर बना लिया जिसको जेरूसलम कहते हैं, वहाँ से उस जेरूसलम के मंदिर से फिर ईसा मसीह ने शिक्षा ली और फिर ईसाई मत चलाया। तो वो ये जो चीज़ है वो एक स्थान के लिए नहीं है, ये सार्वभौम महावस्तु, ये जो योग है ये किसी मनुष्य देश के लिए नहीं संबंधित नहीं, पर जहाँ होता है वहाँ प्रभाव भी डालता है। अब स्वामी जी 10 साल समाधि में रहे तो उसका प्रभाव हमारे पर आ रहा है, हम शिक्षा ले रहे हैं। तो अब इसका परिवार हम जानते हैं क्या क्या इनसे बीती, इस परिवार के साथ मगर इस अवस्था कैसे पहुँचे, बड़ी कठिनाइयाँ भी आती हैं। तो ये है भक्ति योग की समाधि। अब इसे लाभ क्या होता है समाधि से, वो आता है कि इससे कई रुकावटें दूर होती हैं, जिसे ये शास्त्र में अंतराय कहते हैं। वो रुकावटें क्या हैं, हम वाकई जाएं करें हमारी रुकावटें दूर हो जाएंगी बहुत सी। आम आदमी को जो इधर ये चीज़ आती है वो चीज़ आती है, नहीं आती भगत को, भगत के रक्षक भगवान होते हैं। वो जब स्वामी जी सड़क पार करते थे आंखें बंद, तो भगत देख रहे कि आंखें तो खुली हैं, अब किस मोटर आ जाएंगे तो नीचे नहीं आ जाएंगे, पर वो कहते थे आप बताओ ये ना यार कैसे आया करें, ये तो पर कहते हैं ये खुद नहीं देखते, इनको देखने वाले साथ होते हैं, भगत के वश में होते हैं भगवान। बच्चा खेलता है सड़क पर माँ फिर भी आके बचा लेती है, तो भगवान तो माता कोई माता है। तो ये जो रुकावटें आती हैं, ये रुकावटों का वर्णन करेंगे, कितनी रुकावटें, परंतु एक भी नहीं रहती जब हम वाकई सच्चे भक्त हो जाते हैं। तो बहुत सच्चे महाप्रभु।